तो हेलो दोस्तों, आपका पिजन्स ब्रेंटिव चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो भाई कबूतर की आंख के इलाज के ऊपर होने वाली है, क्योंकि भाई मौसम ऐसा चल रहा है, काफ़ी भाइयों का आंख की बीमारी आ रखी थी और भाई मेरे का भी आँख की बीमारी आ गई थी। मैंने आपको भाई पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको ध्यान हो तो भाई मेरे आपको जितने कबूतर दिख रहे हैं इसमें से भाई आधे कबूतरों की आँख उठाई थी, ठीक है। फिर भाई मैं इनका जो इलाज करता था वो मैंने किया, पेटनिसोल भाई मैं इनको देता था और आई ड्रॉप इनके डालता था, लेकिन भाई उससे कोई फर्क नहीं हुआ, आँख भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। फिर भाई मैंने एक ट्यूब यूज़ किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे भाई मैंने एक दिन खाली उसको यूज़ करा था और भाई आधे से ज़्यादा मेरे कबूतर उससे ठीक हो गए थे। अब तो भाई आप देख सकते थे इधर उधर टहल भी रहे हैं, वरना भाई जब सबकी आँख उठी थी भाई सिर्फ एक जगह वो लोग बैठे रहते थे, ठीक है। भाई काफ़ी कबूतर सही हो गए, बस खाली एक दो बचे हुए हैं। तो भाई मैं वो दवा आपको दिखा देता हूँ, अगर भाई आपको आँख की बीमारी आई हुई है तो भाई आप उसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चलिए भाई पहले मैं कबूतर अपने सारे बंद कर दूंगा, फिर मैं आपको दवा दिखाऊंगा, डालते उसको कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तो भाई अभी यहाँ पर हम लोग के कानपुर में 3-4 दिन से भाई लगातार भाई बारिश हो रही थी, और भाई इसलिए भाई जाल में मेरा पूरा पानी भी चला गया था, लेकिन अब भाई हम लोग ने पूरा व्यवस्था कर दी पानी ना जाने की, क्योंकि भाई नीचे से लॉट में सीमेंट मोरंग नहीं लगी थी भाई, इसलिए पानी जा रहा था। अब भाई हम लोग ने सीमेंट मोरंग लगा दिया, आपको दिख रही होगी कि भाई पानी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि भाई पूरा मेरा जाल भीग गया था, ठीक है। और काफ़ी गंदगी भी हो गई थी जाल में, कि भाई हम लोग ने वीडियो भी इतने दिन से नहीं आ पा रही थी, अब तो भाई पूरा हम लोग ने सही कर दिया, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, ये देख सकते भाई इधर भी सीमेंट मोरंग लगा दी है। चलिए भाई पहले मैं इनको बंद कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, तो सारे कबूतर हम लोग ने बंद कर दिए हैं। अब भाई मैं अपना एक कबूतर आपको पकड़ के दिखाता हूँ, इसकी भाई आँख उठी होगी, ठीक है। तो गाइस ये देखें भाई, ये भाई हरी कबूतरी मेरी, इसकी एक तरफ की भाई देखें आँख इसकी बिल्कुल सही है, दूसरी तरफ की देखें भाई उठी हुई है इसकी, और तो भाई काफ़ी सही हो चुकी है, देखें भाई पानी आ रहा है इसकी आँख से, वरना भाई पूरी बंद थी पहले ये, ठीक है। आपको भाई अगर आपके कबूतरों की आँख ज़्यादा उठी है उससे पानी यानी भाई निकल रहा है, भाई आपको एक सिंपल सा एक मध्य में भाई पानी लेना है और भाई थोड़ी सी इसमें फिटकरी मिला लेनी है, ठीक है। और भाई एक सूती कपड़ा लेके, या भाई आप रुई भी ले सकते हैं हल्के हाथों से, भाई बिल्कुल हल्का सा पानी भाई टैप टैप करके पोंछ देना है आपको, ये देखिए भाई इसे हल्का सा पानी भाई टैप टैप करके आपको पोंछ देना है, भाई रगड़ना बिल्कुल नहीं वरना भाई आँख में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और भाई मैं आपको दवा भी दिखा देता हूँ कौन सी दवा है, ये देखिए भाई ये ट्यूब है, नाम भाई आप लोग पढ़ लें, फिर भाई आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है भाई। 25 से 30 रुपए के भाई बीच में आपको मिल जाएगा ये, और भाई काफ़ी दिन आपका ये चलेगा, ठीक है। चलिए भाई इसको देना कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई ऊपर ये आपको अलग से मिलेगी, आपको लगाना पड़ेगा इसमें, इसका ढक्कन भाई आपको हटा देना है भाई, जो सी आँख इसकी उठी है या फिर आप दोनों भाई आँखों में भी डाल सकते हैं भाई, सिंपल से आपको थोड़ा सा भाई इसको प्रेस करके निकालना है भाई, आँख में डाल देना है, ये देखिए भाई, ठीक है। इसके बाद दूसरी आँख से उसमें हम लोग नहीं डालेंगे, और भाई एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए भाई पट्टा है इसकी भाई सही हो चुकी है, लेकिन भाई पर भी हम लोग डाल देते हैं एक बार, कोई दिक्कत भाई नहीं होगी कबूतर को, और भाई आपको ये दवा आपको सुबह शाम कबूतरों को देनी है, ठीक है। दिन में भाई 2 बार आपको दवाएं देनी है, और भाई 4 दिन तक आपको ये देनी है लगातार, अगर भाई आप कबूतर की आंख सही भी हो जाती तब भी आपको भाई 4 दिन तक इसको लगातार देना है, ठीक है भाई। थोड़ी सी प्रेस करके निकाल दी भाई आँख में डाल देनी है, तो भाई आप लोग यूज़ करके बताइएगा दवा आपको कैसी लगी है, मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छी दवा है। मैं भाई पेटनिसोल भी लेकर आया था, ये देखे भाई, लेकिन भाई अब की बार इसने बिल्कुल काम नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया इसने, अब की बार भाई हम लोग का ये ट्यूब काम कर रहा है।
तो गाइस चलिए भाई वीडियो को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर आप लोग ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।